झारखंड आईएएस ऑफिसर्स लाइव्स एसोसिएशन जिसोवा की ओर से 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिवसीय दीपावली मेला मोरहाबादी मैदान में लगाया जा रहा है। शाम 4 बजे उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने की। मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले में झारखंड समेत देश भर के 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड के विभिन्न जिलों के उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्राचीन लोक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मेला के दौरान ऑटोमोबाइल्स की बिक्री की भी व्यवस्था रहेगी। इस वर्ष मेले में स्वदेशी कपड़ों, जनजातीय भोजन और स्वदेशी कला जैसे कोपर और सोहराई से संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होंगे। आज यहाँ मोरहाबादी मैदान में जिसोवा के माध्यम से दीपावली के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ मंच पर जिसोवा के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों और आज इस मेले को सफल बनाने के लिए जो देश के विभिन्न कोने से आए हुए जितने भी स्टॉल लगाने वाले सदस्यगण, उन सभी का और विशेषकर जसोवा समूह को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। ये तो लगभग कार्यक्रम, जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि हर साल ये मेला लगाया जाता रहा है, लेकिन विगत कोरोना के वजह से कुछ समय तक ये मेला का आयोजन नहीं हो पाया। और जैसे कि आपको पता है, अभी मंच बताया गया कि जसोवा का जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जो इनका संकल्प है, उस संकल्प का ये एक मेला भी कड़ी है। और अभी आपने देखा कि इस मंच के माध्यम से कितने जरूरतमंदों को इस समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में अनेक लोग लगे रहते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षमता के अनुरूप जरूरतमंदों के बीच में लोग जाते हैं। और बहुत ये जानकर खुशी होती है कि आज देश में बहुत सारे लोग आज के दिन में भी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए आगे आते रहे हैं। और मुझे लगता है ये हमारे देश का और देश की सभ्यता संस्कृति का ही देन है कि इतने बड़े समूह में यहां पर लोग जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आते हैं। शायद हम सब लोग ऐसे लोगों को कम देख पाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को याद होगा कि 2019 जब कोरोना का संक्रमण
पूरे दुनिया पर चरम सीमा पर था, तो किस तरीके से गली मोहल्ले में, कस्बों में लोगों को सहायता देने के लिए कई संस्थाएं आगे आई। लोगों को कोई खाना बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तरह तरह की चीजें देखने को हमें मिला। और ये कमोवेस पूरे देश में सहायता का और सहयोग का जो भाव देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कि इस जुड़ाव को, इस मानवता का जो भाव है वो लोगों के अंदर ऐसी घटनाओं से ऐसे मानवता की सोच रखने वालों को बल मिलता है। हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते हैं, कई लोगों के को ऐसे सहायता पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, जो निरीह हो, कमजोर हो। और ये जरूरतें और मुसीबतें किसी के साथ भी हो सकती है, घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है, और आज जसोवा के इस प्रयास के लिए मैं पूरे समूह को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि एक ये मेले के माध्यम से जो संदेश जसोवा समूह देना चाह रहा है, और अभी आपने देखा भी और आगे भी सिर्फ लोगों को आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि जैसे कि अभी आपने देखा आंगनबाड़ी केंद्र को किस तरीके से इस समूह ने सजाया संवारा, कई ऐसे चीजें हैं जहां हम सब मिलकर एक बेहतर वातावरण, बेहतर लोगों को मदद देने की प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। और इस जो लोगों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, सहयोग का वातावरण, सभी लोगों के प्रयास से ही हो सकता है। इस कड़ी में मुझे लगता है 5 दिन का ये कार्यक्रम शायद यहां पर आयोजित होना है। आज तो शुरुआत है, अभी यहां अनेक हजारों लोग यहां आएंगे और इस मेले के माध्यम से और इस जसोवा समूह के प्रयास से आने वाला समय, मैं इस आशा उम्मीद के साथ जरूर ये कह सकता हूं, जो प्रयास है, इस प्रयास में आज जितने लोगों को सहायता मिल रही है उससे कई गुना लोगों को सहायता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।